डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन दर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंडीजन टू फिफ्टी थ्री एंड हाउ टू यूज यूर डेप अबाउटिंग अबाउट एक्टिवेटिंग द्री फंक्शन माइंड वी आर देयर टू एनालाइज वी आर देयर टू सिंथिसाइज एंड वी आर देयर टू असाइन द वैल्यू अब डेप्थ माइंड के अंदर याद रखिएगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी डीप थाट्स वो कैसे जनरेट होती हैं कैसे ट्रिगर होती हैं और उनको समझने के लिए हमें इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में गोथ्रू करना है सबसे पहली चीज ये मद्देनजर रखिएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग कैन नॉट बी फोर्स्ड आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि द पर्सन शुड बी कमिंग अप विद आउट ऑफ द बॉक्स फिनोमिना बिकॉज हर शख्स की अपनी लिमिटेशन हैं और जब तक उसमें मोटिवेशन नहीं है जब तक उसको खुद से इनर ट्रिगर नहीं मिल रहा तब तक वो अपनी क्रिएटिविटी को कार वो नहीं ला सकेगा और क्रिएटिविटी को बुरुए कार लाने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा वो मौजूद है हमें माइंडफुल होने की जरूरत होगी और इमोशनल इंटेलिजेंस में जैसा कि हम सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एमपथी की बात करते हैं तो वहां पर मोटिवेशन और सोशल इंटेलिजेंस से आप बेहतर तौर क्रिएटिव आइडियाज को पेश वो कर सकोगे द सेकेंड थिंग इज टेक योर टाइम टू री थिंक एंड रिलैक्स बिकॉज जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतना बेहतर आप अपने आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेट और आइडियाज को प्रेजेंट वो कर सकोगे बिकॉज टेंस माइंड के होने से आपके जो नेगेटिव ट्रिगर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नेगेटिव ट्रिगर्स के होने से आपकी क्रिएटिविटी वुड बी डेफिनेटली कंप्रोमाइज देयरफॉर हमें बहुत केयरफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस को वो समझना है एंड रिमेंबर दैट द सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग वेटल इंफॉर्मेशन इवन व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज तो हमारा माइंड अपने प्रोसेस को वो जारी रखता है बहुत सी क्यूरीज माइंड के सबकॉन्शियस पार्ट में चल रही होती हैं बजहिर हम कॉन्शियसली अगर किसी और काम को भी परफॉर्म वो कर रहे हों फिर वक्त के साथ समाइम्स यू रिसीव सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट और वो पास्ट की इंफॉर्मेशन इज बेसिकली विद यू बिकॉज उसके बारे में जो क्यूरी थी इट वॉज ट्रिगर्ड थिंकिंग की जब हम बात करेंगे तो रिमेंबर दैट एक्सरसाइजिंग एंड वैल्यूइंग फंक्शन ऑफ थॉट इन पॉजिटिव वे हमें मुस्बत सोचना पड़ेगा बिकॉज मुस्बत सोच से ही क्रिएटिव थिंकिंग वो जन्म लेती है केयरफुल एंड क्लियर एनालिसिस वो हमें करने होंगे और उसमें क्रिटिसिजम का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वह फीडबैक और क्रिटिसिज्म हमें एनालाइज करने के अंदर बहुत मदद देगा एंड देन ऑब्वियसली जब हम डेप्थ माइंड को क्रिएटिव थिंकिंग के साथ एसोसिएट करते हैं सो कॉन्शियस इमेजिंग एंड इमेजिनिंग एंड सिंथसाइजिंग द थिंग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वो डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तब तक ऑब्वियसली थिंग्स वुड नॉट बी रेडी टू बी इंप्लीमेंटेड हमें अपने कॉन्शियस माइंड को टेम एंड टोन डाउन करना पड़ेगा हमें अपने कंट्रोल्ड एस्पेक्ट्स को यूज करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सी थॉट्स एंड फीलिंग्स दे वुड बी ऑलवेज कमिंग टू योर कॉन्शियस माइंड फ्रॉम योर सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स बहुत सी क्यूरीज जो माजी में जनरेट हुई होंगी वो मुस्तकबिल में जाकर हमारे सामने आ रही होंगी वी हैव टू बी केयरफुल कब कहां क्यों कैसे हमें क्या ऑपरेट करना है कैसे बिहेव करना है कैसे लोगों के साथ डील करना है एंड एट द सेम टाइम रिमेंबर वन थिंग दूसरे लोग भी अपने साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशन बहुत सी प्रियोरिटीज और माइंड प्रोसेस वो कैरी करते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि माइंड प्रोसेस आर वेरी कॉम्प्लीकेटेड हम अपने माइंड को सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की कैटेगरीज में वो डिस्कस कर सकते हैं वी हैव टू सी कि सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से जो थॉट्स हमारे कॉन्शियस में आ रही हैं वो क्या हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करने के लिए ऑब्वियसली हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की वो जरूरत होगी ताकि हम माइंडफुल रहकर अपने फैसलों को कर सकें थैंक यू